बचा के रखे, हमारे बेटे को बहुत सारी जिंदगी तंदुरुस्ती दे, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही प्यारी जगह है भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, सब यहाँ पे मौजूद हैं, इसके लिए बहुत बहुत वेलकम सबको कि आप सब आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी, सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, मैं किस किस की बात करूँ, सारी खुशी। तो ये है कि खुदा इस महफिल को, खुदा इस आज के दिन को बरकत दे सब के सबको, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। फॉर फ्रॉम माय एंड माय ऑल फैमिली आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग फैमिली एंड आई थैंक यू टू ऑल दैट यू ऑल कम हियर टू जॉइन देयर सेलिब्रेशन। सो फ्रॉम माय डीप हार्ट आई एम सो हैप्पी फॉर शॉन एंड बिफोर शॉन but I was so excited to see him because I am the first muscle to our family and I am the big muscle. So I have the same feeling as I felt for my sister here. So when I see Samantha pregnant, so I from that time I was so excited to that baby, that how he looks like or how she looks like. So when I get that is a boy, I was so, so happy, and that time I prayed to God that I praise God that God you bless this child before coming to this world. So I'm so happy for our Sean, and again I'm so thankful to all of you, and I'm so happy for this family. Thank you. Good morning, everyone. Sean, you are so good. उसको एक अच्छा फीचर दे मेरी ये प्रेम मानता हूँ मामों में और सामने, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ बच्चे को जो ब्लेसिंग मिलती है माँ बाप की वजह से, सैम भी खुदा का बड़ा खदम के दौरान बच्चा है, और सैम भी और सुवंता भी, उसको बरकत मिलेगी माँ बाप की वजह से, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या बड़ी बरकत है इस फैमिली को, इस बेटे को, इस बेटे को और सो बेटे को, और ये कहना चाहता हूँ। गुड इवनिंग, सलाम, और शुक्रगुजार हैं हम आज के दिन के लिए जो कि शोन आज हमारे दरमियान है। लंबे टाइम से हम शोन के इंतज़ार में थे कि खुदा ये बाबरकत दिन लाए, और खुदा का शुक्र उसकी तारीफ कि उसने सैम और स्मैथा को और फैमिली को खूबसूरत बच्चे से नवाजा। खुदावन जिस तरह इनकी ज़िंदगी में सरफराजी हम सब देखते हैं, खुदावन इनकी ज़िंदगी में जिस तरह से काम कर रहा है, खुदावन इनको बढ़ा रहा है, हर तरह से खुदावन इनको प्रोस्पेक्ट कर रहा है, इनको टीच कर रहा है, इनकी हम्बलनेस को, काइंडनेस को। हम दुआ करते हैं कि खुदावन शोन की ज़िंदगी में भी इसी तरह खुदावन कायम रखे, और वो अपने माँ बाप के लिए बाइस रखे। तो खुदावन का शुक्र है इस इवनिंग के लिए, हम शुक्र गुजार हैं हमारी बरकत है, इसी तरह से हम उसकी फैमिली उसके मामा के लिए, उसके पापा के लिए, कि खुदावन ने उनको बेटे जैसी बरकत से नवाजा। तो मेरी तरफ से सैम भाई को बातचीत को मुबारकबाद, और खुदावन कैसे ही बढ़ाए, और शोन को खुदावन लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, और खुदावन के कलाम में लिखा कि सादिक के बच्चे कभी भी किसी नेमत के मोहताज नहीं, ये दुआ है कि वो कभी किसी नेमत का मोहताज। पैदा भी नहीं हुआ था तब बहुत ही ज़्यादा प्यार है उसके लिए, मैं सुनने से आ गया तो उसको सिर्फ देखने के लिए आया। तो इवन दो जब स्मैथा की डिलीवरी डेट पहले होने लगी थी एक्सपेक्टेड, तो मैं डिसअपॉइंटेड हो गया था क्योंकि मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब वो पैदा हो रहा हो तो मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ। तो खुदा ने डेट से ऐसी की कि जिस टाइम मेरी लैंडिंग थी उस टाइम स्मैथा एडमिट हुई है, और उसके एक दिन बाद शॉन पैदा हो गया, और मेरी ख्वाहिश थी कि जब वो पैदा हो तो मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ। और जब ये पैदा हुआ तो इसके वक्त मैं बाहर था, और मैंने को जब देखा तो मेरे को बड़ी मतलब सैटिस्फाइड हुआ और बड़ी खुश हुई। कुछ कहना चाहता हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी मिले, और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ताकि मैं यहाँ पर आया, और
और मैं बहुत खुश हूँ कि ताकि आप लोग इतनी दिल्ली आए यहाँ पर दूर दूर से आए, तो है खुदा ने हमारे बाप की जो है ना नसल को बढ़ाया, और खुदा का शुक्र है शोन के लिए, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है जैसे मुझे और सारे बच्चों से है अपने बहन भाइयों के, इससे भी काफ़ी ज़्यादा। और स्मिता जी आप भी बड़े प्यारे लग रहे हो आज, आप लड़की लड़की लग रहे हैं। और खुदा का शुक्र है सबके लिए, थैंक यू आप लोग सब आए थे और हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं जैसे सबने कहा। और ये कि थैंक यू सो मच समंथा के लिए, सैम के लिए, कि खुदावंद ने इनको ब्लेस किया और इसकी वजह से हमारे घर में जो है बरकत आई है, और खुदावंद इसको जो है शॉन को हमेशा खुश रखे और ये अपनी फैमिली के लिए भाई से बरकत हो और ये खुदावंद में बढ़ता जाए, यही हमारी दुआ है। आमीन। नेक्स्ट डे पर मैं नहीं थी जा पाई तो मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मेरा तो एग्जाम था, मैं तैयारी कर रही थी, उन्होंने तो मामा मुझे कहती रही कि आ जा, मैं सोचा भी कि चली जाती हूँ, तो पर मेरी ट्यूशन भी हो रही थी इसी टाइम पर, मैंने कहा नहीं मामा आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर जब मैंने संडे को शॉन को फाइनली देखा तो बड़ा मुझे अच्छा लगा देख के, और बड़ा प्यारा शॉन है, समंथा वाजी जैसा लगता है बिल्कुल। और मैं समंथा वाजी से बात कर रही थी संडे को, फिर जब सारा मतलब कि एक माँ बनने का जो प्रोसेस होता है काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी एक दर्द वाला जो है प्रोसेस है, पर फिर भी एक औरत के लिए मतलब कि समंथा बाजी के लिए भी इंकरेजमेंट है, ये कहना चाहूँगी कि बाजी ने बहुत मतलब कि पेन के थ्रू एक इतनी खूबसूरत चीज़ को पैदा किया, तो उसके लिए खुदा की शुक्रगुजार सब। चाहूँगी कि कुछ स्टोरी भी हस्ता जैसी है कि मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं जा नहीं पाई, बट मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानती कि मैं कब जाऊँ शॉन्फ्रेशन, बिकॉज बहुत देर से इसका वेट हो रहा था, तो फाइनली मुझे टाइम मिला और जब मैं गई तो इतना क्यूट इतना प्यारा है और मेरा उसको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक भाई और भाभी लोग ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे प्रॉपर फैमिली की तरह समझा है, और सर हैप्पी टू बी हिज फूफा और खुदा उसको बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी कर रहे हैं। खुदा हमारी जिंदगी में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, रिलेशन को ऐड कर रहे हैं, नए नए रिश्तों को बना रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो औलाद है वो खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का हल खुदा की तरफ से अजर है। खुदा का शुक्र हो औलाद जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, और बहुत सारे ऐसे भी दुनिया में कपल्स हैं जो बे औलाद हैं और वो हर कोशिश करते हैं पैसा जो कुछ वो कर सकते हैं औलाद हासिल करने के लिए कि वो हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सब हमेशा इस बात के लिए शुक्रगुजार हों कि हम सबको खुदा ने औलाद दी है और शौन जो है वो उसमें एक नया इजाफा है, तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसके अलावा एक बहुत ही मुझे जैसे पापा ने भी छोटा सा मैसेज शेयर किया तो मुझे बाइबल की एक स्टोरी याद है जो पापा ही सुनाते हैं हमेशा, कि यशवा की कहानी है कि जिसमें यशवा जो था वो जो जब जब जंग कर रहा था तो पूरे दिन के लिए जो था वो वक्त रुक गया था, और पापा के मुताबिक जो पापा समझाते हैं कि खुदा ने उसको मुकम्मल विक्ट्री देनी थी इसलिए वक्त को रोक दिया गया था, तो जैसे समंथा की जिंदगी में कुछ चीज़ें रुकी उसको मुकम्मल तौर से रिस्टोर होने के लिए, हम में से भी हर एक की जिंदगी के लिए एक छोटा सा लेसन है कि अगर कुछ चीज़ें हमारी जिंदगी में रुकी हुई हैं तो इसका मतलब है कि खुदा हमें बहुत जल्द जो है वो मुकम्मल तौर से विक्ट्री देने वाला है। आमीन। खुदावंद आप सबको दुआ करेंगे खाने के लिए, मैं बिल्कुल लंबा मैसेज दे दूंगी बस इतना ही काफी है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, जिंदगी से सलामती और तंदुरुस्ती के लिए, खासतौर से खुदावंद आज के इस मुबारक दिन के लिए खुदावंद जो तूने शॉन के वसीला से खुदावंद हम सबकी जिंदगी में बख्शा है, ऐ खुदावंद उसके लिए हम सब एक दिल होकर ऐ खुदावंद की दराजी की दुआ करते हैं, सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं, जिस तरह से खुदावंद वो खून और गोश में बढ़े इसी तरह से तेरे इरफान में बढ़ता जाए खुदावंद, और अपने घराने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और खुदावंद खास तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाला बने हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस सारी रफाकत और शराकत के लिए, इस खुराक के लिए जो खुदावंद हम खाने को इसको अपने खून से पाक कर है खुदावंद, हर तरह के है खुदावंद तो गुजर असरात से बचाना है ये खाना है खुदावंद, हमारी सेहत सलामती तंदुरुस्ती की और हमारे लिए कुवत और खुदावंद जिंदगी का बाइस बने, और जिन लोगों को खुदावंद ये खुराक अता नहीं